सदन में पीएम मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुआ, जिसे ध्वनिमत से गिरा दिया गया। इस दौरान काफी कुछ देखने और सुनने को मिला। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में वार और पलटवार देखने को मिला। लेकिन अंत में जब पीएम मोदी ने अपना जवाब देना शुरू किया, तो एक बार फिर से सदन में विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिला। पीएम ने विपक्ष और नए बने गठबंधन इंडिया पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कच्चा तीवु द्वीप का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि भारत के टुकड़े की बात करने वाले कच्चा तीवु द्वीप को क्यों भूल जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह कच्चा तीवु द्वीप क्या है, कहां है, क्यों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी कच्चा तीवु द्वीप के मुद्दे को उठाया था। दरअसल कच्चा तीवु द्वीप तमिलनाडु के रामेश्वरम से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह द्वीप 14वीं सदी में ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। इस द्वीप पर तभी से रामेश्वरम के आसपास के मछुआरे मछली पकड़ते रहे हैं। साथ ही द्वीप एक सालाना उत्सव होता है जिसमें भाग लेते रहे हैं। लेकिन 1921 में श्रीलंका ने इस पर दावा कर दिया और इसे विवादित क्षेत्र बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में कांग्रेस पर मां भारती को छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कच्चा तीवु द्वीप की चर्चा की। इस द्वीप को इंदिरा गांधी सरकार ने 49 साल पहले 1974 में श्रीलंका को दे दिया था। पीएम ने इंदिरा के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मां भारती की मौत की कामना करने वालों को बताना चाहिए कि क्या यह द्वीप मां भारती का हिस्सा नहीं था। पीएम ने इस दौरान कहा कि इन्हें तो पता भी नहीं होगा कि यह द्वीप कभी मां भारती का अंग था। पीएम ने जब इस द्वीप का हवाला दिया, तब कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल वॉकआउट कर गए थे। इस पर पीएम ने कहा कि जो बाहर गए हैं उनसे पूछिए कि यह कच्चा तीवु द्वीप क्या है, ये कहां है, यहां कितनी बड़ी बड़ी बातें कर देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत माता की मृत्यु की कामना कर रहे हैं, और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे आज भी चिट्ठी लिखते हैं कि मोदी जी कच्चा तीवु द्वीप को वापस लाइए। यह कच्चा तीवु है क्या, किसने किसी दूसरे देश को दिया था, कब दिया था, क्या यह द्वीप भारत माता नहीं थी, क्या वो हमारी मां भारती का अंग नहीं था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसे श्रीलंका को दे दिया गया। ये कांग्रेस का इतिहास है, मां भारती को छिन्न भिन्न करने का इतिहास। दरअसल ये द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर पर है। ये भारत और श्रीलंका के बीच सामरिक महत्व का द्वीप है। करीब 285 एकड़ में बसे इस द्वीप पर भारत की श्रीलंका के साथ विवाद की स्थिति रही। यह कभी 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। ब्रिटिश शासनकाल में द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। आजादी के बाद इसे भारत का हिस्सा माना गया। यह द्वीप सामरिक महत्व का था और इसका उपयोग मछुआरे करते थे। हालांकि इस द्वीप पर श्रीलंका लगातार दावा जताता रहा। इसी बीच साल 1974 में 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच इस द्वीप के बारे में बातचीत हुई। इन्हीं दो बैठकों में कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। तब शर्त यह रखी गई कि भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकेंगे और द्वीप में बने चर्च में भारत के लोगों को बिना वीजा के जाने की अनुमति होगी। इस समझौते का तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने तीखा विरोध किया था। इस फैसले से नाराज तमिलनाडु विधानसभा में साल 1991 में प्रस्ताव पारित कर इस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। इसके बाद साल 2008 में जयललिता इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गए। सीएम बनने के बाद साल 2011 में एक बार फिर से विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।